भिंड में युवक की मौत के बाद हंगामा हुआ। युवक की गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हुई और उसके बाद परिजनों ने शव को स्ट्रेचर पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक नयागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट गांव में कल देर शाम अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। इसी दौरान एक युवक को गोली लगी थी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी। सड़क पर परिजनों द्वारा मृत युवक के शव को रखकर भिंड जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई और आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। साथ ही साथ परिजनों ने स्वयं के परिवार को सुरक्षा दिए जाने सहित आरोपियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की मांग भी की। जानकारी मिलने पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया। भिंड SDM DSP अरविंद शाह सहित देहात और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी भी मौजूद थे। मौके पर भिंड सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा भी पहुंचे और पीड़ित परिवार से बातचीत कर ढांढस बंधाया। मृत युवक के परिजनों को समझाते हुए जाम खोलने की बात भी कही। मेरी मांग है कि थानेदार है ना जो इसमें लिखता है प्रभारी वो तुरंत बाकी बाकी और लोग जो जिनसे FIR अभी नहीं हुई है उनसे FIR की जाए और बाकी उनके लिए कुछ आर्थिक मदद की जाए। घटना हुई थी जो पिंटू शर्मा है हमारे घर के दरवाजे के सामने पेशाब कर रहे दिखा रहे थे। हमारे चाचा के लड़के ने उनको रोका तो उन्होंने उसको धारिया वारिया से मारा पीटा है। उसके बाद अपन ने पूरे प्रशासन पे FIR करवाई। थाने जाके प्रशासन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और ना उनको गिरफ्तार किया। उसी दिन शाम को उन्होंने ये गोलियां चला दी हैं जिसमें हमारे भाई घायल हैं, दो एक हमारे छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी है। तो क्या आप पुलिस की लापरवाही पूरी इसमें पूरी पुलिस की मिली भगत है। वो उनके साथ बैठता है खाता है उनका सारे संबंध है पुलिस के साथ आरोपी के साथ। थाना प्रभारी इसमें पूरा पूरा ही संरक्षण है। थाना प्रभारी को इसके में पूरी तरीके से हटाया जाए। अभी आप लोग जाम लगा रहे हैं, क्या मांगे? हमारी मांगे हैं थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए मतलब, और उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए और जो नाम अभी FIR नहीं हुई हो उनके नाम FIR करवाए, सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई की जाए।